Hello, viewers. Hello. Hi. I am Shabana. From my channel name is Ecopolli Shabana. I am represent to you health experts of our present life. मेरा नाम है शबाना. मैं मेरा चैनल का नेम है शबाना Ecopolli. उसकी तरफ से मैं आप लोगों के पास कुछ हेल्थ टिप्स के बारे में कहूँगी कि आप लोग का थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट हो जाए जो डेली लाइफ के लिए हम लोग को क्या क्या जरूरत है हम लोग को अपने लाइफ को हेल्थी और वेल्थी बनाने का. तो मैं थोड़ा सा आप लोग को डिस्कस कर रही हूँ कि हम लोग को थ्री टेक्निकल पार्ट्स है इन आवर ह्यूमन लाइफ. वन है बात, पित्त एंड कफ. बेसिकली ये तीन टेक्निकल पार्ट्स के वजह से हम लोग को कैरेक्टर बोलिए और आपका स्वभाव बोलिए सब कुछ डिपेंड करते हैं. तो ये तीन भाव हम लोग को लाइफ में बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं. तो हम लोग को 0 to 25 ईयर्स तक हम लोग को कफ का प्राधान्य, मतलब कफ का हम लोग को प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहते हैं. उसके बाद 25 to 55 तक रहते हैं पित्त का प्रभाव रहते हैं हम लोग शरीर पे. और हम लोग का 62 and 95 तक रहते हैं बात का प्रभाव, मतलब जो गैस का दिक्कत होते हैं तो बात प्रभाव के वजह से, बात का इफेक्ट के वजह से हम लोग को गैस का दिक्कत होते हैं. पित्त का वजह से हम लोग को एसिडिटी क्रिएट होते हैं. और हम लोग कफ के वजह से सर्दी जुखाम लग जाना जल्दी से, या मोटापा हो जाना, या आपका डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन लग जाना शरीर में, ये हम लोग को होते हैं कफ ना, जब हम लोग शरीर पे कफ का आधिक्य बढ़ जाता है तो इसके वजह से हम लोग को शरीर में डिफरेंट टाइप ऑफ दिक्कतें क्रिएट होते हैं. तो इसी टॉपिक के ऊपर बेसिस करके जैसे कैसे करके हम लोग को अपने लाइफ स्टाइल को, खान पान चेंज करके हम लोग अपने लाइफ को अच्छा बना सकते, इसके बारे में हमें आप लोग से डिस्कस करूंगी. जैसे और भी कुछ टॉपिक आएंगे. जैसे हम लोग को खाने के तरीके में दो टाइप का खाना होते हैं, एक होते हैं अल्कलाइन फूड और एक होते हैं एसिडिक फूड. हम लोग को ज्यादातर शरीर में हम लोग को जरूरत है अल्कलाइन फूड, क्योंकि हम लोग शरीर में 70% वाटर कॉन्टेंट है और 30% मोर अबाउट 30% हम लोग को सॉलिड पकड़ सकते हो, लेकिन 70% हम लोग को वाटर कॉन्टेंट ही हम लोग के एज ए फूड हम लोग को इंटेक करना जरूरी है. जो हम लोग नहीं करते इसी की वजह से हम लोग को दिक्कतें क्रिएट होते अपना पर्सनल लाइफ में, और डिजीजेस भी इसी के कारण हम लोग को क्रिएट होते हैं. तो डिफरेंट टाइप ऑफ जितना भी दुनिया में डिजीज क्रिएट हो रखे है, ओनली फॉर हम लोग को एसिडिक खाना खाने की वजह से ही हम लोग को ये डिजीज हम लोग को पकड़ते हैं और हम लोग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं इम्यूनिटी पावर्स, जिसके वजह से हम लोग बीमारी को झेलने के हम लोग के बॉडी के अंदर हम लोग को उतना पावर नहीं रहता जो हम लोग बीमारी से फाइट करके हम लोग अपने खुद के लाइफ को इम्प्रूव करें या अपने लाइफ को सेव करें. तो और भी कुछ कुछ पॉइंट्स आप लोग से मैं थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ. आज ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूँगी क्योंकि मैं छोटे में ही कम्प्लीट करने चाह रही हूँ. तो मेरा लाइफ का एम है और आप लोग को अवेयरनेस क्रिएट करने में जो मैंने गोल सेट किया, ये फर्स्ट वीडियो में ये मैं डिस्कस कर रही हूँ. ये अल्कलाइन फूड आर आर्मी विच प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एनिमी. मीन्स हुआ जो भी हम लोग के अल्कलाइन फूड है उसको हम लोग के आर्मी के नज़र से देखना है. जो हम लोग को शरीर के अंदर जितना अल्कलाइन फूड हम लोग जाएंगे इंटेक करेंगे तब वो हम लोग को शरीर के अंदर पे आर्मी का फोर्स के जैसा हम लोग को शरीर के अंदर काम करेंगे और एनिमी को डिस्ट्रॉय करेंगे. यहाँ हमें एमिनी किसको हम लोग समझा रहे, एमिनी हम लोग इसी को समझा रहे जो बाहर का जो डिजीजेस है, या हम लोग शरीर के अंदर में भी कुछ कुछ डिजीज जो क्रिएट हो जाते हैं खान पान के गड़बड़ी की वजह से, तो उसको भी हम लोग एनिमी पकड़ेंगे हम लोग शरीर के लिए. तो उसको डिस्ट्रॉय करने का हिम्मत ऑन एंड ऑनली इसके पास है, ओनली पर है हम लोग का ये अल्कलाइन फूड के पास ही जो हिम्मत और इम्यूनिटी पावर है जो हम लोग इस टाइप के एनिमी को डिस्ट्रॉय कर सके हम लोग के शरीर के अंदर पे, और हम लोग के शरीर पे
और भी ज़्यादा इम्यूनिटी क्रिएट कर सके कि बाहर का जब एनिमी आएगा, जैसे डिफरेंट डिफरेंट अभी न्यू नेम्ड कोई कोई जो वायरस का नाम उठ रखा है, जो इफेक्ट आ रहा है इंसान के लाइफ में, जो बर्बाद कर रहे हैं, वो ओनली फॉर हम लोग का खान पान का गड़बड़ी के वजह से वो हम लोग को कंट्रोल कर पा रहा है अपना अपना पावर से, नेगेटिव पावर से। तो हम लोग को उसमें पॉजिटिव पावर डाल के उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो पॉजिटिव पावर किस किस खाने पे है? बेसिकली हम लोग एल्कलाइन फूड को हम लोग पॉजिटिव